गुड मॉर्निंग, नमस्कार, की हाल चाल भाई लोग। हम आज आ रहे हैं जोड़ा धाम और आपको दिखाएंगे हरे राम बाबा का मंदिर, बहुत अंदर से बाहर से सभी जगह। तो अभी हम जा खड़े हैं, वहाँ से जोड़ा है 3 किलोमीटर और जो हमारे फ्रेंड है वो सेल्फी खींचने में पानी पुणे पीने में व्यस्त है और अभी जा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो में। अभी हम जोड़ा मंदिर के और ये है यहाँ का मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है, देख लेना आगे अपने साथ। ये है मंदिर परिसर, बहुत खूब बड़ा पंडाल है और ये है धुना। मेले के अंदर बहुत भीड़ लगी रहती है और बहुत ही अच्छी जगह घूमने की जगह है। यहाँ पे है तो नहीं अलाउ वीडियो आपके करना, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कैसे जिक्र करके। है मोहनलाल जी पुजारी जी, जिनकी समाधि स्थल है यहाँ पे, और साथ में आपको सुनाई दे रहा होगा, बहुत ही वार्निंग टाइप का, बहुत ही अच्छा लगता है जो सुनने पर मन प्रसन्नित हो जाता है। राम जी महाराज जी जो मंदिर के पुजारी थे, उनका समाधि स्थल है ये, मांगीलाल जी नाम है इनका, शायद लगता है सबसे पहले पुजारी थे इसलिए इनको यहाँ विराजमान किया गया है। भाई ये है असीम शक्ति यहाँ की, और यहाँ पे जो भी पान वगैरह होता है उनका झाड़ा वाड़ा लगाया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, डॉक्टर भी फेल है इधर के, इधर सामने इसका चमत्कार बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम निकाल के कभी कभी आओ आप देखने के लिए, आओ हमारे राजस्थान में बहुत तो अच्छा होता है। क्या नागौर जिले के जोरडा गांव के अंदर, और जो नागौर से पास लगभग 25-35 किलोमीटर लगभग पड़ता है, और सब साधन आते हैं, हर घंटे के अंदर साधन आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे धर्मशाला भी रुकने के लिए हम आपको धर्मशाला भी दिखाएंगे। ये जो दिख रही है ये सभी धर्मशाला, यहाँ पे रुकने की कोई समस्या नहीं है, बढ़िया पर्सनलिटी है, एकदम शौचालय वाले सब कुछ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और भाई यहाँ पे जो हैदराबाद यहाँ तक कि नेपाल तक के लोग यहाँ पे आते हैं, नेपाल तक के लोग, जो वो पीछे दोनों मंदिरों के बीच में है ना वो दिख रही है, वो नेपाल की धर्मशाला है, नेपाल के लोगों की। भाई ये देखो विजय बीड़ी फैक्ट्री, विराट नगर नेपाल, गंगा शहर निवासी लालानी गंगा शहर, ये सभी यहाँ पे रहने के लिए बहुत ही आलीशान जगह है। यहाँ पे लॉकर भी दे रखा, अपना अपना सामान भी रख सकते हैं, लॉक भी देंगे, लॉकर भी है, कहीं पर घूमो सामान रख के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई वैसे भी यहाँ पे कोई चोरी वोरी नहीं करता है, करता है ना उसको पता चल जाता है तुरंत।